अभी हम करने वाले हैं गेबल रेयर रोग डेल्टा थीटा साइन। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया हो। तो आज हम करने वाले हैं शोल्डर वर्कआउट। अभी मैंने प्री वर्कआउट में ले लिया है और चलिए फिर जिम में मिलते हैं। आइसोटॉनिक रेडी करते हैं। हम शोल्डर वार्म अप करने वाले हैं, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम करने वाले हैं डंबल प्रेस। तो इसमें आपको ऐसे डंबल लेके आपके शोल्डर के थोड़े से आगे ही रखना है ताकि शोल्डर पे अच्छे से प्रेशर आ जाए। अभी हम करने वाले हैं डंबल फ्रंट रेज। ओके, सो आपको चेस्ट आगे रखना है और बैक स्ट्रेट, और ये आपके फ्रंट शोल्डर पे वर्क करता है, तो इस तरीके से आगे लेना है डंबल्स। अभी हम करने वाले हैं अपराइट रो।
और ये वर्कआउट आपके ओवरऑल शोल्डर और कॉलर पे वर्क करता है। चलिए अभी हम करने वाले हैं स्टेटेड रेयर लैटरल डंबल रेज। ये आपके बैक शोल्डर को मजबूत बनाता है। कलर वर्कआउट कर रहे हैं तो मैं सिंगल प्लेट से कर रही हूँ। आप रॉड से कर सकते हैं, डंबल से कर सकते हैं, डबल प्लेट से कर सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल है, अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो मैं प्लेट से कर रही हूँ। चालू है तो अभी हम करने वाले हैं केबल रेयर रोग डेल्टा थीटा साइन। अरे क्या बोलते हैं इसको, केबल। अभी हम करने वाले हैं केबल रोप रेयर डेल्ट रो। आ गया। नाम मुश्किल है बट वर्कआउट करना इजी है। अभी हम करने वाले हैं रेयर डेल्ट फ्लाई। सेटअप ये आगे ऐसे लगाना है, सबसे लास्ट में। हाँ, सबसे लास्ट में, मतलब आपके हाथ फ्रंट में आने चाहिए आप, और फिर इसे पीछे खींचना है। तो अपना शोल्डर वर्कआउट खत्म हो गया है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अभी भूख लगी है। तो चलिए आज का वर्कआउट और ब्लॉग यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
खरीदते हैं आप? जूते मेरे घर पे है। वर्कआउट जूतों से होता है क्या? आपने